हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा कोलियस का प्लांट है और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस ठंड में मेरा ये प्लांट ख़राब होने लगा है। इसको कैसे सेव करना है, क्या इसमें प्रॉब्लम हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो फ्रेंड्स, एक प्लांट तभी मरता है जब या तो उस पर पेस्ट का अटैक हो या फिर उसमें रूट रॉट हो। तो देखिए फ्रेंड्स, कोलियस पर कोई खास पेस्ट अटैक तो होता है नहीं और इसकी लीव्स के ऊपर कोई भी पेस्ट मुझे नज़र नहीं आया, मैंने देखा है बड़े ध्यान से। लेकिन फिर भी यह है, सूख रहा है, इसकी पत्तियां बिल्कुल नीचे गिरने लगी हैं, ड्रॉप होने लगी हैं। तो इसका एक रीज़न मुझे लग रहा है कि इसमें रूट रॉट हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स सर्दियों में पानी तो सूखता है नहीं, धूप नहीं निकलती है। तो मुझे रूट रॉट की प्रॉब्लम लग रही है। तो जो नीचे से प्लांट ख़राब होगा तो उसको तो रूट्स को हम इतना, इसकी ज़्यादा हैवी रूट्स नहीं होती हैं, ज़्यादा स्टेबल रूट्स नहीं होती हैं कोलियस की, बिल्कुल ही सॉफ्ट सी रूट्स होती हैं। तो स्टेम एक बार रॉट होनी शुरू हो जाए तो फिर बचती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग्स लगा लेंगे ताकि हमारे पास नीचे वाला प्लांट अगर हमारा ख़राब हो भी जाए यहाँ से रूट रॉट की वजह से, तो ऊपर हमारे पास काफ़ी सारी कटिंग्स ग्रो हो जाएँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक पॉट, ये ले लिया है मैंने पॉट, नीचे है इसमें होल, ये देखिए, और ऊपर से फिर मैंने इसमें एक पुराना सा कपड़ा लगा दिया है ताकि ड्रेनेज अच्छा रहे। इसमें डाल लेती हूँ मैं सॉइल, ये देखिए, सॉइल में मैंने सिर्फ कोकोपीट लिया है क्योंकि कोकोपीट में कोलियस बहुत अच्छे से ग्रो करता है, पहले से मॉइस्ट है, देखिए। और बस इसकी कटिंग्स लेनी है, सारी ही कटिंग्स मैं ऊपर से ले लूँगी। तो चलिए पहले कटिंग्स लेती हूँ इसकी, ये देखिए सारी ही मैंने इसकी कटिंग्स ले ली हैं, ये कुछ छोड़ी हैं और इसमें भी मैं कुछ करूंगी ऐसा ताकि ये सेव हो जाए, कोशिश तो करूंगी। देखिए फ्रेंड, अपने प्लांट को बचाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश करनी है। तो पहले इन जो लीव ये हैं, इनकी लीव्स को मैं रिमूव कर लेती हूँ क्योंकि ये बेकार में एनर्जी लेंगी और बहुत ही ज़्यादा ठंड है अभी, तो प्लांट को भी थोड़ी सी मेहनत करनी होती है अपनी लीव्स को ग्रो करने के लिए। पहले मैं इनकी लीव्स हटाती हूँ, ये देखिए मैंने लीव्स नीचे की सारी हटा ली हैं, कुछ कुछ छोड़ दी हैं, अगर ग्रो हो जाएंगी तो ठीक है, अदरवाइज ये फिर टाइम के साथ खुद ही ये लो कर ड्रॉप हो जाएंगी और हमारे प्लांट में ऊपर से शूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसमें लगा लेते हैं, नोड पोर्शन होना ज़रूरी है, देखिए यहाँ पे दो नोड पोर्शन है इसमें, और इस तरीके से हम इसको लगा कर थोड़ा सा प्रेस करेंगे। और हमारी कोकोपीट काफ़ी गीली है तो हम इसमें बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करेंगे, इस तरीके से हम इसे लगा देंगे। मैं लगाती हूँ सारी पहले आपको, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए सारी कटिंग्स मैंने इसमें लगा ली हैं, काफ़ी सारी हैं कि अगर कुछ ग्रो नहीं हुई तो कुछ तो हो ही जाएंगी, और प्लांट सूखने से अच्छा है कि हम उसकी कुछ कटिंग्स ही ग्रो कर लें। और इसके ऊपर फ्रेंड्स मैं ये क्लीन शीट है इसको लगा लूँगी और ऊपर से फिर मैं इसको बांध दूँगी यहाँ से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तो कटिंग को सेव करने के लिए, सेफ रखने के लिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे शीट से, ताकि इसमें एक ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जैसा एक इफेक्ट आए। तो चलिए मैं इसे कवर कर लेती हूँ पहले, ये देखिए मैंने इसको बांध दिया है यहाँ से, और ऊपर से मैंने यहाँ पे होल बना दिए हैं ताकि इसमें से थोड़ी सी एयर पास होती रहे, और बिल्कुल पॉली हाउस जैसा देखिए बन गया है। उम्मीद करते हैं हमारी कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा प्लांट है, मैं इसकी हल्की हल्की सी कर दूंगी गुड़ाई ताकि इसकी जो सॉइल है वो सूखने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, और दो से तीन दिन के बीच में इसकी सॉइल को थोड़ा सा पलटते रहना है इस तरीके से, ताकि इसकी सॉइल जल्दी सूख जाए। दोपहर को मैं इसे धूप में रखूंगी, और इसके बाद मैं इसमें फ्रेंड थोड़ा सा फंजीसाइड डाल दूंगी ताकि अगर इसमें कोई फंगस है तो वो हट जाए। और ये वाला प्लांट नीचे से तो काफी हेल्दी लग रहा है, देखिए सेव होता है नहीं होता है, पर मैं कोशिश करूंगी इसको। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा तरीका कोलियस को सेव करने का, सर्दी में मरते हुए कोलियस को कैसे बचाना है, ये मेरा तरीका था। कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और किस तरीके से आप अपने प्लांट्स को सर्दी में सेव करते हैं आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।